हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आप लोग देख रहे हैं एयर्थ क्लास का रेनबो इंग्लिश की बुक है और इसका मैं आज सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूं। तो आप लोग देखिएगा, जरा पार्ट में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, द काबली वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और बहुत जल्दी फटाक से 5 मिनट में इसके सारे क्वेश्चन आंसर निपटाते हैं, तो कहीं जाइएगा मत बिल्कुल भी, और पूरा देखते रहिएगा, 1 मिनट का भी स्किप मत करना, आगे मत बढ़ा के देखना इसको पूरे को। तो स्टूडेंट की इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ये भी मैं करा चुका हूं, आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं दोबारा से। और ये हैं इसके क्वेश्चंस जो 17 नंबर पेज पर दिए हुए हैं, क्लियर दिख रहे होंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, वाई वाज मिनी कॉल्ड ए चैटर बॉक्स। मिनी को चैटर बॉक्स क्यों कहा जाता था, क्यों उसके बातूनी लड़की कहा जाता है? तो इसका आंसर नोट करें स्टूडेंट्स, एक सेकेंड। अब क्लियर आ गया होगा, तो आंसर देखिएगा आप यहां से। मिनी वाज कॉल्ड ए चैटर बॉक्स बिकॉज शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। हर समय वो चैटिंग करती रहती थी, वो रह नहीं सकती बिना चैटिंग किए हुए। चैटिंग का मतलब होता है बात बतियाते रहना, और चैटर बॉक्स का मतलब बात बड़बड़ाते रहना का मतलब बातूनी। तो वो हर समय बातूनी ही क्यों कही जाती थी। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मैंने क्वेश्चन इसमें है, आंसर मैंने अलग से नोट किया आपके लिए। वाई वाज मिनी एफरेट ऑफ द काबली वाला। तो वाई वाज मिनी एफरेट ऑफ द काबली वाला, काबली वाला से मिनी क्यों डरती थी, क्यों परेशान थी? देखिएगा इसका, देखो स्टूडेंट्स बीच में मत छोड़ना, मैं लास्ट में आपको बहुत अच्छा सा कुछ बताऊंगा, उससे आप कहीं मिस हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए। मिनी हैड हर्ड दैट काबली वाला कॉट चिल्ड्रन। मिनी ने कभी ये सुना था कि काबली वाला बच्चों को पकड़ ले जाते थे, एंड पुट देम इन देयर सेक्स का मतलब होता अपने बोरे में रख ले जाते थे, एंड टुक देम अवे और उनको दूर ले जाया करते थे। सो सी वाज एफ्रेड ऑफ द काबली वाला, काबली वाला से वो डरा करती थी, उसी सेब का आदमी था वो, लेकिन ये वो बच्चों को पकड़ने वाला नहीं था। हालांकि छोटे बच्चों को डरा दिया जाता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो स्टूडेंट देखती है इसका थर्ड क्वेश्चन, वाई वाज द काबली वाला अरेस्टेड। काबली वाला को क्यों गिरफ्तार किया गया था, ठीक। तो थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, रहमान काबली वाला का ही नाम है, रहमान द काबली वाला हैड स्टेब्ड ए मैन। स्टेब का मतलब है छुरा भोंक देना, किसी आदमी को उसने छुरा भोंक दिया था। हु ओड हिम मनी, जिसने उससे धन ले रखा था, या काबली वाला जो किसमिस आदि बेचा करता था वो किसी ने उधार ले ली होंगी, उसने बाद में पैसे नहीं दिए होंगे। फॉर दिस क्राइम सो ही वॉज अरेस्टेड, इस क्राइम के लिए उसको अरेस्ट किया गया था। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, डी वाई वाज द काबली वाला शॉक्ड टू सी मिनी। वाई वाज द काबली वाला शॉक्ड टू सी मिनी, मिनी को देखकर काबली वाला क्यों शॉक्ड हो गया। शॉक्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। तो ही वाज शॉक्ड टू सी दैट मिनी द लिटिल गर्ल ही हैड नोन। ही वाज शॉक्ड, ही का मतलब काबली वाला शॉक्ड हो गया टू सी दैट कि मिनी वाज मिनी द लिटिल गर्ल, जो इतनी छोटी थी, ही हैड नोन, हैड ग्रोन, जिसको वो पहले से देखा जाना पहचाना करता था, हैड ग्रोन, अब बड़ी हो गई है, इनटू सच ए ब्यूटीफुल वुमेन, वो एक सुंदर महिला बन गई है, इसलिए वो देख के शौक हो गया। और शौक इसलिए हो गया क्योंकि उसकी भी अरब देश में एक बेटी है अपनी, उसको भी बहुत छोटी सी छोड़ के आया है, तो वो सोच रहा है कि ये बेटी इतनी बड़ी हो गई है मिनी, तो उसकी अपनी बेटी भी काबुल में इतनी बड़ी हो गई होगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला, व्हाट डिड मिनीज फादर गिव हिम। व्हाट डिड मिनीज फादर गिव हिम, मिनी के फादर ने उसको क्या दिया। मिनीज फादर टुक आउट सम मनी, मिनी के पिता ने कुछ धन निकाला, टुक आउट सम मनी एनी एंड गेव इट टू रहमान, और इसको रहमान को दिया, ताकि ही कुड ऑल्सो सी हिज ओन डॉटर, ताकि वो अपनी बेटी को देख सके, मिल सके, आफ्टर सो मैनी ईयर्स, बहुत दिनों के बाद।
स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज दैट यू डिज ऑब्जर्व इन द स्टोरी। क्या ह्यूमन क्वालिटी है जो स्टोरी में दी गई है, जो आप पहचानते हैं? स्टोरी में तो दी गई है, लेकिन मैडम ने अपनी ओर से और भी लिखे हुए हैं, तो थोड़ा सा इनको देख लीजिए। ऑल्दो वी मेड मैनी मिस्टेक्स, हम लोग बहुत सारी गलतियां भी करते हैं रोजाना की लाइफ में, एंड फेस फेल्योर, और इनका परिणाम भी होता है कि हम फेल महसूस करते हैं, फेल या असफलता का सामना करते हैं, बट ऑलवेज वी वांट टू लिव ए पीसफुल लाइफ, हम हमेशा एक अच्छी शांतिपूर्वक जिंदगी जीना चाहते हैं। वी शुड हैव ए स्ट्रांग डिजायर, इसके लिए हमको फॉर दिस लगाओ यहां पे, फॉर दिस, वी शुड हैव ए स्ट्रांग डिजायर, हमारी एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, टू मेक आवर लाइफ हैप्पी, अपने जीवन को खुश बनाने के लिए, विद ए न्यू होप, एक नई उम्मीद के साथ, आशा की किरण के साथ। तो स्टूडेंट्स जाइएगा मत कहीं, अभी क्वेश्चन आंसर पूरे हुए हैं, और अभी आपको दिखाता हूं मैं ये टिक द करेक्ट आंसर्स, तो इनको भी देख लीजिए, थोड़ा सा सारी चीज देखें, पूरी एक्सरसाइज करेंगे, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट ज्यादा हो जाए आप देखिएगा। मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, तो ये बिल्कुल सही है, मिनी नहीं रह सकती थी बिना चैटिंग किए हुए पूरे समय। रहमान बाज ए बिग बियर्ड पठान, तो एक बड़ी दाढ़ी वाला पठान था ये, बिल्कुल सही बात है। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुली वाला, मिनी नहीं भूल पाई थी उस काबुली वाला को, ऐसा कुछ नहीं है। मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विद सम मनी, मिनी के फादर ने हेल्प नहीं की थी रहमान की मनी के साथ, धन के साथ, तो ऐसा नहीं है जी, गलत है, मिनी के फादर ने उसकी हेल्प की थी। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द बेडिंग ऑफ मिनी, मिनी के फादर ने मिनी की शादी में से कुछ खर्चों में कटौती कर दी थी, बिल्कुल सही बात है, तो ये सही होता है। तो स्टूडेंट्स आइए आगे देखते हैं वर्ड पावर के लिए। स्टूडेंट्स बेशक आपको लग रहा हो कि मेरा वीडियो बड़ा हो जाता है, और वीडियो आपके मोबाइल सेट में बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं जितना क्लियर एक एक चीज आपको समझा रहा हूं शायद किसी वीडियो में आपको मिलेगी, तो इसलिए कहीं जाइएगा मत, भटकिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर वीडियो इसी तरह से प्यारा सा मिलेगा। और दूसरी चीज, ये कोर्स खत्म होने के बाद बीच बीच में आपको इंग्लिश स्पीकिंग की, इंग्लिश का न्यूज पेपर पढ़ने की सारी प्रैक्टिस मैं देता रहूंगा, मेरा सब कुछ तैयार है, बस आप लोग मेरा साथ देते रहिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों काम जरूर करने हैं आपको। तो इस वर्ड पावर के अंतर्गत आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। अफोर्ड, अफोर्ड मींस बहन करना, सडनली अचानक, सेक्स मींस बोरे, स्टेब्ड मींस छुरा भोंकना, ओड मींस किसी को धन देना। वी कीप ग्रेन्स इन, हम अपने अनाज को कहां रखते हैं, सेक्स में, सेक्स होता है क्या, बोरा, बोरे में भरते हैं अनाज। माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड, मी 1000 रुपीज, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका ओड, मेरे मित्र ने मुझको दिया क्या 1000 रुपीज, 1000 रुपए मुझे दिए। टॉम, तीसरा वाला आता है टॉम, मैरी इन द बैग, तो टॉम वाले में टॉम स्टेब्ड, टॉम स्टेब्ड मैरी, टॉम ने छुरा भोंक दिया मैरी के इन द बैग मीन्स पीठ में। ए डॉग जम्प्ड एट अंकित, तो सडनली आ जाएगा, ए डॉग सडनली जम्प्ड, ये आ जाएगा। डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन अफोर्ड, ज्यादा खर्च ना करें, जितना आप सहन कर सकते हैं उतना खर्च करें, तो पहला वाला ये अफोर्ड इसमें आ जाएगा। सजेस्ट ए सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे ये सब मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है, मैं आपको फिर बता दूं, केवल ये क्वेश्चन आंसर करना ही पर्याप्त नहीं होता है स्टूडेंट्स के लिए, आप 8th क्लास में आ गए हैं, 9th 10th में बहुत बड़ा कोर्स आपके सामने होगा, उस चीज के लिए आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वर्ड पावर को और इन सब चीजों को मैं हर एक क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज के साथ लगा रहा हूं, वरना मैं भी क्यों परेशान हूं, क्यों तुम्हें परेशान करूं, इसलिए आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे। तो यहां तक आ चुके थे, सजेस्ट सुटेबल वर्ड फॉर द गिवन बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, एक एक सेंटेंस के लिए एक एक वर्ड जो होते हैं, जैसे हिंदी में होते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग। तो ए पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो लिख पढ़ नहीं सकता है, सॉरी
ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, जो पढ़ और लिख सकता है वो लिटरेट होता है, पढ़ा लिखा आदमी। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, बहुत ज्यादा जो बातें करता है उसको क्या कहेंगे, अभी मिनी के लिए जो कहा गया था उसी है, चैटर बॉक्स। ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपनी कंट्री को प्यार करता है उसको क्या कहेंगे, पैट्रियोट, PATRIOT, आराम से लिख लीजिएगा आप। बी हो गया, नेक्स्ट पेज पे सी देखिएगा, अभी नहीं दिखा, अब दिखेगा आपको। हाँ जी, सी में देखिए, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, जो गवर्नमेंट होती है पीपल, लोगों की गवर्नमेंट, वो क्या होती है, डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी, यहां पर लिख देना इसको। डी में आता है, ए पर्सन लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, जो आशावादी आदमी होता है उसको क्या कहा जाता है, ऑप्टिमिस्ट, OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट। और इसका जो विलोम शब्द होता है वो होता है पेसिमिस्ट, उसकी यहां जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं। बाद बाकी ये सब आप पढ़ लेंगे, कर लेंगे सब, इतनी सब एक्सरसाइज कीजिएगा और ये लैंग्वेज प्रैक्टिस वगैरह सब आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, और अगर आपको चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर का। तो ये आपके लिए स्क्रीनशॉट हो जाएगा, आप यहां से ले सकते हैं ताकि आप आराम से लिख सकें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।